पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे लाल दुहोमा जोरम पीपल्स मूवमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। साल 2019 में राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकरण कराने वाली ZPM ने मिजोरम की 40 विधानसभा सीट में से 27 पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मिजोरम में पहले या तो कांग्रेस या मिजो नेशनल फ्रंट का शासन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पूर्व कांग्रेस सांसद लाल दुहोमा ने राज्य में सत्ता में आने वाले पहले क्षेत्रीय दल के नेता बनकर इतिहास कैसे रचा। लाल दुहोमा ने पूर्व PM इंदिरा गांधी की सुरक्षा में काम किया था और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए IPS से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल दुहोमा ने मिजो उग्रवादी गुट के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1984 में लाल दुहोमा ने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा सीट जीती। हालांकि राज्य कांग्रेस नेतृत्व के साथ अनबन के कारण व्हिप का पालन न करने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। लाल दुहोमा कांग्रेस छोड़ने के बाद 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने। लाल दुहोमा ZPM का नेतृत्व कर रहे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में लाल दुहोमा ने दो सीट शेरशिप और आइजोल पश्चिम एक से चुनाव जीता। साल 2020 में ZPM को तोड़ने के लिए तकनीकी आधार पर लाल दुहोमा को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।